नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि केवल इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, हमें ये भी चेक करना है कि जो रिटर्न हमने भरी है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोसेसिंग सेल, जिसे हम सीपीसी बेंगलुरु कहते हैं, उसकी ओर से ड्यूली प्रोसेस भी होना जरूरी है। और इन दिनों दोस्तों सीपीसी कुछ इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपके लिए हो सकता है वो बात इंटरेस्टिंग ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग मैसेज एसएससी एट लार्ज को भेज रहा है। तो सीपीसी बेंगलुरु की ओर से ये कौन सा मैसेज है, क्या ये आपके केस में भी एप्लीकेबल है, और यदि है तो आपको इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी विषय पर आपसे एक छोटा सा डिस्कशन मैं सी अनु भाटिया करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सीधे सरल रूप में आपसे बात करता हूं कि आप देखिए, एक मैसेज आपके मेल बॉक्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी की ओर से हो सकता है आया हो इस प्रकार से, इस एड्रेस के थ्रू से, उसमें कोई डेट है, टाइमिंग है, सब्जेक्ट है रिस्पॉन्स टू कंफर्म ऑब्लिक रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। यानी अगर आपने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए रिटर्न भरी और उस रिटर्न में आपने एक रिफंड क्लेम किया, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है सर, हो सकता है सीपीसी बेंगलुरु की ओर से आपको इस प्रकार का एक मेल आपके ऑफिशियल मेल आईडी पर आया हो। ये यदि मेल आया है तो इस मेल का पर्पस क्या है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं। दोस्तों मैं आपके साथ मेल का कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं कि देखिए, इस मेल में ऐसा लिखा हो सकता है, जरूर नहीं है सर ये सभी को आवे, लेकिन बहुत संभव है कि ऐसे एसएससी जिन्होंने फॉर्म 16 के बियॉन्ड जाकर के कुछ डिडक्शन क्लेम किए, कुछ सेक्शन 10 की एग्जम्पशन क्लेम की, या रिफंड एक एक्स्ट्रा अमाउंट का उनकी सीपीसी के ओपिनियन में क्लेम हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सीपीसी उन एसएससी को यह पूछ रहा है, डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर, यहां आपका पैन आके, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 फाइल्ड बाय यू ऑन सच एंड सच डे। योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सीपीसी का क्लियर मैसेज है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इस रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के पर्पज से एक बार के लिए आइडेंटिफाई किया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम, डिडक्शन और ओमिशन इन द रिटर्न। तो तीन बातें हो सकती हैं सर जो आपको इस मेल का, एक आपकी ओर से, आपको सीपीसी की ओर से इस प्रकार की मेल आए, कोई क्लेम जो आपने किया हो जिस पर सीपीसी को संदेह है तो वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको मैसेज भेज रही है, कोई डिडक्शन जो आपने क्लेम किया हो जिससे सीपीसी संतुष्ट नहीं है, या कोई ओमिशन, कोई चीज आप भूल गए हैं, से फॉर एन एग्जांपल आपकी 26 एएस में कोई इनकम है जो आपने रिपोर्ट नहीं करी। अब मैं यहां जहां से मैंने उदाहरण लिया है वहां देखिए सर, उन एसएससी को एक रीजन आया, इट इज सीन दैट यू हैव क्लेम लार्ज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, वेरीफाई करेक्टनेस योर इन योर क्लेम टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद द अमाउंट रिपोर्टेड बाय योर एम्प्लॉयर इन फॉर्म 60। तो सीपीसी क्या कर रही है सर, मैचिंग कर रही है कि जो आपने सेक्शन 10 की एग्जम्पशन इन एसएससी ने, जिनका मैं यहां रेफरेंस ले रहा हूं, उदाहरण है केवल, कि उनके केस में सीपीसी ने पाया कि उन्होंने सेक्शन 10 में एग्जम्पशन क्लेम करी जबकि वो सैलरीड एम्प्लॉयड भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं। तो अब सीपीसी ये देखना चाहती है कि आपके फॉर्म 16 के कंपैरिजन में जो आप सेक्शन 10 की एग्जम्पशन ले रहे हैं यहां पर, क्या वो तर्कसंगत है या नहीं। केवल आपको ये एक मैसेज भेजा है कि हमें लगता है कि आपको एक बार पुनः देख लेना चाहिए। आगे देखिए सर, दिस कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम ओमिशन इन द अबव मेंशन रिटर्न ऑफ इनकम। केवल ये एक अलर्ट है सर, इस अलर्ट को आपको एनालाइज करना है कि क्या यह अलर्ट आपके केस में सही है या गलत है। इसी मेल में दोस्तों सीपीसी फर्दर ये कह रही है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज आल्सो अवेलेबल इन एनुअल इंफॉर्मेशन सर्विस स्टेटमेंट अंडर सर्विस मेनू इन द ई फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉगिन। प्लीज चेक बिफोर सबमिटिंग रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ योर इनकम। यानी सीपीसी पुनः ये मैसेज दे रही है कि सर आप अपने AIS वगैरह डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका रिफंड सही है या नहीं। टू सबमिट द रिस्पॉन्स प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल पेंडिंग एक्शन वर्क लिस्ट एंड देन यू हैव टू गो इन टू रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कन्फर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वहां पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, द क्लेम इन माई रिटर्न आर करेक्ट और आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। साथ ही आगे सीपीसी ने कहा, प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम मेड इन योर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दिस ईमेल। इन केस ऑफ इनकरेक्ट क्लेम ओमिशन प्लीज रिवाइज योर इनकम टैक्स रिटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
माय डियर फ्रेंड, सीपीसी क्या कह रही है? अगर आपको लगता है कि साहब मैंने इनकरेक्ट क्लेम ले लिए या गलत डिडक्शन ले लिया या मुझसे कुछ ऑमिशन यानी भूल हो गई, तो आप अपनी रिटर्न को असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए दोस्तों 31 दिसंबर 2022 तक रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हाँ आपकी रिटर्न में कुछ गड़बड़ तो हुई है, रिफंड ज्यादा क्लेम हुआ है, तो आपको क्या करना है सर, रिवाइज रिटर्न भरनी है। और आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तो रिफंड क्लेम बिल्कुल सही है, मेरे पास प्रॉपर सपोर्टिंग है, लॉजिक है, तो आप द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया मैंने हालांकि उस मेल के कंटेंट से ही ड्रॉ करी है, फिर भी आप सबके रेफरेंस के लिए यहां पर एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूं कि मान लीजिए मैंने यहां पर किसी एसएससी के लिए लॉगिन किया और उनको इस प्रकार का सीपीसी से मैसेज आया, तो मैंने पेंडिंग एक्शन पर क्लिक किया, पेंडिंग एक्शन में वर्कलिस्ट ऑप्शन में गया, वर्कलिस्ट में उन्होंने फॉर योर एक्शन में मेरे को बताया कि अनूप जी इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से हमने आपको एक पर्टिकुलर इस तरीके का मेल भेजा हुआ है और हम आपसे एक रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने 56,000 रुपये का रिफंड क्लेम किया है, तो आप यहां इसे कंफर्म करिए या आपको रिवाइज करना है तो अपने रिफंड के क्लेम को रिवाइज करिए। तो इस प्रकार आप अपना लॉगिन में चेक कर सकते हैं कि यदि आपने भी कोई रिफंड क्लेम किया है तो कहीं इस प्रकार का कोई मैसेज आपको आया हो तो उसकी कोई कंप्लायंस आपकी ओर से रिक्वायर्ड हो तो आपको चेक करना चाहिए। ये पॉइंट हालांकि मैंने पहले डिस्कस किया, फिर पुनः रख रहा हूं सर, जब आप वहां पर सबमिट रिस्पांस में जाएंगे तो आपको रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन में आपका पैन, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिससे ये सबमिट करने के लिए कहा गया, वो रिफंड क्लेम इन आईटीआर 56,000, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनली आपको कहा प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज, द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट और आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। एंड फाइनली इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करना है। फाइनली दोस्तों जैसे ही आप सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा रिस्पांस सबमिटेड सक्सेसफुली, उस रिस्पांस का ट्रांजेक्शन आईडी एंड रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द एक्नॉलेजमेंट नंबर सो एंड सो। तो यहां अगर आपको ये मैसेज फाइनल दिख गया यानी आपका रिस्पॉन्स ड्यूली सबमिटेड हो चुका है। दोस्तों लास्ट में एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपसे ये करूंगा कि वैसे तो सेक्शन 143(1) में इनकम टैक्स रिटर्न सीधे प्रोसेस होनी चाहिए जो लॉ का तरीका है, और इस प्रकार की कोई इंटीमेशन देने का तरीका, क्योंकि ये इंटीमेशन किसी सेक्शन में आई नहीं रही, मेरी ओपिनियन में प्राइमा फेसाई सही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को अपनी ओर से सचेत करके ये कहना चाह रहा है कि भाई देख लीजिए आप इतना रिफंड क्यों क्लेम कर रहे हैं, इतना ज्यादा अमाउंट का रिफंड है या इतना रिफंड है, हमें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक प्रकार की ये प्री इंटीमेशन है कि डिपार्टमेंट असेसी को सूचित कर रहा है देख लीजिए आपको लगता है तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर लीजिए, अपने रिफंड को चेंज करना है तो कर लीजिए। तो दो बातें कहना चाहूंगा सर कि सेक्शन से डायरेक्ट सपोर्ट इस तरीके की इंटीमेशन का नहीं है, लॉ से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, लेकिन असेसी के लिए यह फिर भी भले की बात है कि डिपार्टमेंट उनको बता रहा है कि देखिए आपका रिफंड हमारी नजर में। अब अगर आप अपने रिफंड पर बिल्कुल खड़े हैं कि साहब मेरे तो ये डिडक्शन बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, मैंने उनका ड्यू कंट्रीब्यूशन किया हुआ है या मैं उनके लिए ड्यूली एलिजिबल हूं, तो हमें कोई डर नहीं है, हमें तो एक्सेप्ट करना है। कहने का मतलब ये सर, यदि आपको इस प्रकार की कोई मेल आती है तो आपको कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी पोजिशन को इवेल्युएट करें कि यदि आपका रिफंड लेजिटिमेट है तो आप अपना रिस्पॉन्स ये सबमिट करिए कि मेरा रिफंड सही है। यदि आपको लगता है कि हाँ गलती तो है, रिफंड ज्यादा क्लेम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप रिवाइज रिटर्न करिए, आपको रिवाइज रिटर्न करने पर किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगेगा। हाँ यदि आपका टैक्स बढ़ जाता है तो हो सकता है वो टैक्स आपको पे करना पड़े, उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा लगे, पर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी प्रकार के नहीं आएंगे यदि आप टाइमली अपनी रिटर्न रिवाइज करते हैं तो। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।